हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं प्रियांश कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में आपको मैकेनिक्स से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे बहुत सारे कॉम्पिटिशन लेवल में सवाल बनते हैं। और अगर ये वीडियो और कोर्स आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका फोर्स है, सेकंड चैप्टर इक्विलिब्रियम है, थर्ड चैप्टर फ्रिक्शन है, फोर्थ चैप्टर सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फिफ्थ चैप्टर आपका सिंपल मशीन है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो फोर्थ चैप्टर से आपको 15 मार्क्स का सवाल आते हैं, इक्विलिब्रियम से आपको 15 मार्क्स का ही सवाल आता है, फ्रिक्शन से भी आपको 15 मार्क्स का ही सवाल आता है, सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपको 10 मार्क्स का सवाल आता है और सिंपल मशीन से आपको 50 मार्क्स का सवाल आता है। तो टोटल मिला के 70 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बुक्स तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये सब बुक्स, लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन बुक्स में पीडीएफ का लिंक दूंगा आप उसी पीडीएफ को डाउनलोड करके एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए जो कि आपको एक्सटर्नल एग्जाम के समय में काम आएंगे। तब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स एक साइंस का ब्रांच है, जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि केमिस्ट्री, जैसे कि बायोलॉजी, ये सारे के सारे ब्रांच है साइंस का। तो वैसे ही मैकेनिक्स, मैकेनिक्स भी एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ मशीन के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा है बॉडी पर उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि बॉडी का कंडीशन होना चाहिए रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उसी को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। कहने का यह मतलब है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लॉ ऑफ मशीन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, और उस फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ा बॉडी पर उसके बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं सबको हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स का मेनली दो टाइप होता है, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का भी दो टाइप होता है, एक मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रिजिड बॉडी का भी दो टाइप होता है, एक स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। अब हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो जैसा कि हम बताए थे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, एक रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। तो वो सब आगे सीखेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या है, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी ब्रांच है तो मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग अप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं एंड इफेक्ट ऑन सॉलिड बॉडी पे, उस फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ा है बॉडी पर उस बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उस बॉडी का कैसा कंडीशन होना चाहिए तो वो सॉलिड होना चाहिए एट रेस्ट और मोशन, चाहे वो बॉडी मोशन में हो चाहे फिर वो बॉडी रेस्ट में हो, उसी को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उसी का दूसरा नाम होता है सॉलिड मैकेनिक्स। कहने का ये मतलब है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एक ब्रांच है मैकेनिक्स का, जिसमें हम अप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और उस अप्लीकेशन ऑफ फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा है बॉडी पर उसके बारे में पढ़ते हैं, चाहे कि वो बॉडी रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। आप डिफिनेशन ये वाला पढ़िए, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सॉलिड बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और सॉलिड मैकेनिक्स। चलिए दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो दो टाइप में बांटा गया है, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, उसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे रिजिड बॉडी क्या कहलाता है, डिफॉर्मेबल बॉडी हम लोग आगे सीखेंगे। तो रिजिड बॉडी क्या कहलाता है, तो देखिए रिजिड बॉडी कहने का यह मतलब है कि वैसा बॉडी जिसमें हम अप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाकर अगर उसके शेप एंड साइज में चेंज नहीं ला सकते उसी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। कहने का मतलब ये, मान लीजिए एक आपका बॉडी है जिसमें हम फोर्स लगाए, इधर से लगाए, इधर से भी लगाए, मान लीजिए इधर से भी लगाए, अगर ये ऐसा कहीं ऐसा ही रह गया, इसका शेप चेंज नहीं हुआ, तो आपका यह कहलाएगा रिजिड बॉडी। अब एक बार डेफिनेशन पढ़िए, पढ़ लीजिए। अ बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप और साइज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो आपको यह समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी क्या कहलाता है। अब रिजिड बॉडी का दो टाइप होता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक। तो स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स ये होता है, स्टैटिक्स भी आपका टाइप है किसी का। तो हम बताए थे कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का दो भाग में बांटा गया है, स्टैटिक्स एंड
एक होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक्स आपका क्या होता है, स्टैटिक्स में भी हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, वो बॉडी कौन सा कंडीशन में होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर रेस्ट, तो रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। और डायनेमिक क्या होता है कि डायनेमिक में भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट जो होता है बॉडी पर वो कौन सा कंडीशन में बॉडी होना चाहिए, तो मोशन के कंडीशन होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि स्टैटिक्स में जब भी हम लोग नाम आएगा तो स्टैटिक्स में हम तुरंत समझेंगे कि स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स में जो इफेक्ट ऑफ बॉडी होता है वो कैसा, बॉडी का कंडीशन कैसा होता है, रेस्ट में होता है बॉडी, उसके बारे में उसके पे इफेक्ट पड़ता है। और डायनेमिक में क्या होता है, तो डायनेमिक में जो बॉडी होता है वो मोशन में होता है। तो आप एक बार डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट स्टेट इज नोन एज स्टैटिक्स। अब डायनेमिक का भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन इज नोन एज डायनेमिक। तो हम लोग समझ चुके हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक किसका पार्ट होता है, तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का किसका टाइप था, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड किसका टाइप था, तो मैकेनिक्स का। अब हम लोग बोले थे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को दो भाग में बांटा गया है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी हम लोग समझ गए कि वैसा बॉडी जिसमें हम बाह्य बल के कारण उसमें हम शेप एंड साइज उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। और उसी का एक और टाइप था डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिस बॉडी पर फोर्स के कारण उसका शेप एंड साइज अगर चेंज हो जाए उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ बॉडी विच चेंज इट्स शेप और साइज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। मैंने वैसा मान लीजिए कि ये आपको कोई बॉडी है और इस पर आप फोर्स लगाकर इसको साइप आप ऐसे चेंज कर दिए, तो ये हो गया पर डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे कि मान लीजिए आप गेंद को पचका सकते हैं, गेंद को आप अपना फोर्स लगाकर उसको शेप एंड साइज में चेंजेज ले आते हैं, लेकिन वही अगर पत्थर रहा तो उसको हम शेप एंड साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी एंड रिजिड बॉडी। तो आई होप यू आर एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।